हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गठ बीमारी के बारे में, जिन्हें हम गठिया, संधिवात, जोड़ों का दर्द, इन्हें कई नामों से जानते हैं। लेकिन आज हम ये नहीं जानेंगे कि इसको कितने नामों से जाना जाता है, बल्कि आज हम ये जानने वाले हैं कि ये बीमारी क्या है और इन बीमारियों का घरेलू उपचार क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड गठिया मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक गंभीर रोग है। यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हड्डियों के लिए अभिशाप की तरह होता है। और ज्यादातर केसों में इससे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। और फर्स्ट स्टेज में शरीर में जकड़न देखी जाती है, बाद में छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर ध्यान ना देने पर जब जोड़ों के जगहों से हड्डियां सड़ने लगती है तो इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एलोपैथी में इसके लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयां शरीर के लिए नुकसानदायक होने के कारण बड़े डॉक्टर इनका प्रयोग सावधानी से करने की सलाह देते हैं। कमजोर डाइजेस्ट सिस्टम के कारण इस समस्या में प्रोटीन के साथ खाद्य पदार्थों का सेवन बंद करना जरूरी होता है। साग पलक जैसे पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। तो आप बात करते हैं यूरिक एसिड और गठिया बीमारी के घरेलू उपचार के बारे में। पहले नंबर पे है लौकी। अगर लौकी का मौसम हो तो सुबह खाली पेट पीने के लिए एक गिलास लौकी का जूस निकाले और इसमें 5-5 पत्ते तुलसी और पुदीना की भी डाल ले। अब इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला ले और इसको रेगुलर पिए कम से कम 30 से 90 दिन तक। दूसरे नंबर पे है अर्जुन की छाल। रात में सोते समय 1.5 गिलास नॉर्मल पानी में अर्जुन की छाल का चूर्ण 1 चम्मच और दालचीनी पाउडर 0.5 चम्मच डालकर चाय की तरह पकाए और थोड़ा पकने पर छान कर निचोड़ कर पी ले। ये भी 30 से 90 दिन तक करो। तीसरे नंबर पर है चोप चीनी। चोप चीनी का 0.5 चम्मच सवेरे खाली पेट और रात को सोने के समय पानी से लेने पर कुछ दिनों में यूरिक एसिड खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है पपीता। एक कच्चा हरा पपीता अपने अंदाजे से 1 किलो निकाल ले और उन्हें अच्छी तरह से धो ले। फिर छिलके को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। उसके बाद किसी पतीले में डालकर इसमें 3 लीटर पानी मिला दे और इसमें 5 पैकेट ग्रीन टी मिलाकर 15 मिनट तक चाय की तरह उबाल कर इन्हें छान ले। फिर पूरा दिन यही पानी पीना है, अंदाजा से 5 से 6 गिलास। 14 दिन लगातार पीने से यूरिक एसिड खत्म हो जाता है। और 14 दिन लगातार प्रयोग करने के बाद जब मुंह का स्वाद नॉर्मल हो जाए तो बाद में 7 दिन में एक बार प्रयोग करने से यूरिक एसिड की समस्या नहीं होगी। और उसके बाद आता है पानी। दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी का सेवन करें। पानी की सफिशियंट क्वालिटी से शरीर का यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में पानी को जरूर पीते रहें। अब बात करते हैं कि आपको इन बीमारी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे दही, चावल, अचार, ड्राई फ्रूट्स, दाल और पालक बंद कर दें। रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन बहुत हानिकारक है। सबसे बड़ी बात, खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेजिंग फूड, अंडा, मांस, मछली, शराब और धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें। जो जो हमने घरेलू उपचार बताए हैं, अगर आप इन सब का प्रयोग करते हैं तो यूरिक एसिड की समस्या, दिल की समस्या, जोड़ों के दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।